आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें प्रश्न दिया है जिसमें हमें ए तथा बी का मान निकालना है। क्या दिया है? 5 × 3√3 / 7 / 4√3 = a/b√3। ठीक है, यहाँ पर हमें ए व बी का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। हमें क्या दिया है? 5√3 / 7√3। अब हम इसका परिमेयीकरण कर देंगे, तब इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये वर्गमूल वाली जो संख्या है इसके सामने का चिन्ह परिवर्तन होगा। कैसे? 7√4√3 / 7√4√3। तो ये क्या हो जाएगा? 5√3√3 × 7√4√3। व हर में मेरे पास यहाँ पर से क्या मान आ जाएगा? 7√4√3 × 7√4√3। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हर में a√b का सूत्र आ रहा है जिसमें इसका मान क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। चलिए डालते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर से? 7 × 35 = 21√3 / 20√3। और यहाँ पर से ऋण 4 × 3 = 12 / 12 = 36 इस प्रकार से। और मेरे पास हर में क्या आ जाएगा यहाँ पर? 7√4 × 3 √। ठीक है, तो यहाँ पर से मेरे पास कितना उत्तर आएगा? 35√36 का मान √1 और यहाँ पर से क्या होगा? √3 और बटे में 49√। यहाँ पर क्या होगा? 4 × 16 = 16, 4 × 16 = 48। यहाँ पर से मेरा मान क्या आ रहा है? √1√3। ये किसका मान हो रहा है? a√b√3 का। तो यहाँ पर से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो a का मान निकल के आ रहा है √1 और b का मान निकल के आ रहा है 1, जो कि इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आया है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।